हेलो दोस्तों, चलिए आज हम थालपोश का डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसे बनाने के लिए देखिए, हम दो रंगों का उलन लिए हैं, यहाँ पर रेड और वाइट कलर। और उलन मेरा 4 प्लाई का है ये, जिससे हम बनाएंगे। और मेरा क्रोशिया देखिए 2 नंबर का है, 1.5 mm का है ये। तो डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। तो बनाने के लिए पहले हम ऐसे नॉट लगाएंगे, और उसके बाद से हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 चेन कर लेंगे। फर्स्ट वन में लेके हम जॉइंट कर लेंगे ऐसे। उसके बाद 1, 2, 3, 4 4 चेन करेंगे, डबल फंदे लेंगे, और इसमें हम ट्रिबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 देखिए। उसके बाद फिर डबल फंदे लेंगे, फिर से हम फिर से डबल फंदे लेके हम ट्रिबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल फंदे लेंगे, फिर से ट्रिबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल फंदे, ट्रिबल क्रोशिया। देखिए इसे 2, 4, 5 बनाए ऐसे। ऐसे ही और बना लेंगे हम, डबल फंदे लेंगे और ट्रिबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने पूरा 24 यानी 24 पूरा ट्रिबल क्रोशिया बना लिया है। फर्स्ट वन में लिए कि हम जॉइंट करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ जॉइंट करने के बाद से हम यहीं पर 4 चेन डबल फंदे लेंगे, सेम जगह पे ही हम फिर से ट्रिबल क्रोशिया हम बनाएंगे। देखिए फिर डबल फंदे। अब इसके नेक्स्ट वाले है, यहाँ पर भी हम 1, 2, 3 डबल फंदे सेम जगह पे एक और बनाएंगे, यानी एक पास 2 ट्रिबल क्रोशिया हम बनाएंगे। देखिए यहाँ भी बनाए, यहाँ पर भी बनाए, फिर डबल फंदे लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाले में भी एक पास 2 ट्रिबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर डबल फंदे। फिर इसके नेक्स्ट में भी एक पास 2 ट्रिबल क्रोशिया बनाएंगे। तो नीचे हम 24 बनाए हैं, इसके ऊपर पूरा 48 बनेगा, यानी 24 48 बनेगा ये दूसरा रो में। तो बना कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पूरा 48 हमने बना लिया ये। फिर फर्स्ट वन में लेके यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे। देखिए फिर यहीं पर फिर से 1, 2, 3, 4 4 चेन करेंगे, डबल फंदे, सेम जगह पे ही फिर से हम 2 ट्रिबल क्रोशिया बना लेंगे पहले। उसके नेक्स्ट वाले में हम 1 बनाएंगे ट्रिबल क्रोशिया। देखिए ऐसे, फिर डबल फंदे। फिर उसके नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे ट्रिबल क्रोशिया, 1 और 1 बनाएंगे 2। देखिए फिर डबल फंदे। फिर उसके नेक्स्ट में 1 बनाएंगे ट्रिबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में 2 बनाएंगे ट्रिबल क्रोशिया। ऐसे देखिए फिर उसके नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, 1 2 1 2 बनाना है पूरा हमें। 1 में 2 बनाएंगे, फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, ऐसे पूरे लाइन में कंप्लीट करेंगे राउंड में। तो देखिए 2 1 2 1 बनाते हुए पूरे राउंड में हमने कंप्लीट किया। फिर पहले वाले में लिए कि हम जॉइंट करेंगे यहाँ पर। अब उसके बाद हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 चेन कर लेंगे। यहाँ पर हम 5 चेन करके फंदे लेंगे 1, और यहाँ पर हम बनाए, यहाँ पर हम स्किप करेंगे। उसके नेक्स्ट वाले में हम 1 डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पर हम 1 2 2 चेन करेंगे, यहाँ पर 5 चेन किए, ये 2 चेन जो किए उसके लिए, और 3 चेन डबल क्रोशिया के लिए। फंदे लेंगे, फिर ये स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे, एक जगह बनाएंगे, एक जगह नहीं बनाएंगे हम ऐसे डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे, फिर यहाँ पर नहीं बना के यहाँ पर बनाएंगे ऐसे। फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। देखिए फिर 2 चेन, फिर
यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। तो ऐसे दो दो चेन और एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। बीच में एक जगह बनाएंगे, एक जगह नहीं बनाएंगे, देखिए एक जगह छोड़ रहे हैं, एक जगह बना रहे हैं। तो ऐसे बनाते हुए पूरे राउंड में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने ऐसे दो दो चेन एक एक डबल क्रोशिया करके और बीच बीच में एक एक जगह छोड़ छोड़ के एक एक जगह बनाए हैं, पूरा कंप्लीट किए। पूरा ये 36 बना है, यानी 36 पूरा बना है ये डबल क्रोशिया और दो चेन वाला। अब इसे पहले वाले में हम ज्वाइंट करेंगे, इधर से हम एक दो छोड़ के तीसरे वाले पर ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और इसे हम बांध के कट कर लेंगे। इसे हम बैक साइड लगा लेंगे। अब इसके बाद से हम ऐसे वाइट कलर यहाँ पर ले रहे हैं और ऐसे बांध के एक दो तीन चार फोर चेन करेंगे, डबल फंदे। फिर से हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, देखिए एक एक दो हुआ, डबल फंदे सेम जगह पे ही ऐसे ट्रिपल क्रोशिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर एक दो तीन थ्री चेन कर लेंगे, डबल फंदे सेम जगह पे फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन इधर और तीन इधर, दोनों साइड तीन तीन बना लिए हैं ट्रिपल क्रोशिया, बीच में तीन चेन किए हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर एक दो दो चेन करेंगे, फिर डबल फंदे लेंगे। अब इसमें हम एक दो ये दो जगह छोड़ देंगे, तीसरी जगह पर हम बनाएंगे यहाँ पर एक दो तीन, देखिए डबल फंदे, फिर से एक दो तीन, फिर डबल फंदे एक दो तीन, देखिए तीन फिर बना लिए, फिर एक दो तीन थ्री चेन, डबल फंदे, फिर से सेम चीज़ें एक दो तीन से, फिर यहाँ पर तीन ट्रिपल क्रोशे फिर लाइन से बना लेंगे ऐसे, देखिए हो गया। फिर तीन चेन मिडिल में किए, उसके बाद फिर दो चेन करेंगे ऐसे, डबल फंदे लेंगे, फिर ये और ये छोड़ेंगे, दो स्किप करेंगे, तीसरे वाले पे फिर बनाएंगे हम। पहले तीन ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे, फिर तीन चेन करेंगे, फिर तीन ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे सेम जगह पर, यानी एक होल में हमारा सिक्स ट्रिपल क्रोशे ऐसे बन रहा, तीन ट्रिपल क्रोशे बना के थ्री चेन और एक से दूसरे जाने में दो चेन कर रहे हैं हम। और बीच में देखिए ये दो जगह हम छोड़ रहे हैं, देखिए मिडिल में, अब यहाँ पर सेम ऐसा बनेगा और एक से दूसरे जाने में दो चेन कर रहे हैं, मिडिल में थ्री चेन है और थ्री थ्री दोनों साइड बन रहा है, दो दो स्किप कर रहे हैं, ऐसे बना के कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ऐसे बना लिया राउंड में। अब यहाँ पर हम पहले वाले में लेके हम ज्वाइंट करेंगे ऐसे, देखिए पहले वाले में ज्वाइंट करके हम फ्लैट स्टिच से ये जो थ्री चेन का बनाए हैं उसके मिडिल में हम चले जाएंगे यहाँ पर ऐसे। उसके बाद एक दो तीन चार फोर चेन, डबल फंदे लेके फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक दो तीन, तीन ट्रिपल क्रोशिया फिर बना लेंगे, एक दो तीन चेन करेंगे, डबल फंदे, फिर से हम तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, देखिए। अब उसके बाद यहाँ पर हम दो चेन किए हैं, अब यहाँ पर हम एक दो तीन चार फोर चेन करेंगे, यानी चार चेन करेंगे, डबल फंदे लेंगे, फिर इसमें बनाएंगे हम, देखिए यहाँ पर दो किए, यहाँ पर चार चेन किए हैं, इधर ये सेम किए हैं, तीन तीन ट्रिपल क्रोशिया, बीच में तीन चेन, डबल फंदे, फिर से हम सेम चीज़ें बना लेंगे यहाँ पर, तीन ट्रिपल क्रोशिया,
तीन चेन, फिर से तीन ट्रिपल क्रोशिया। तीन, देखिए फिर यहाँ पर एक दो तीन चेन, डबल फंदे, फिर सेम चीज़ें बनाएंगे। फिर ये राउंड भी हम कंप्लीट करते हैं। एक से दूसरे चरण में हमें चार चेन करना है, बाकी ये सेम बनाना है, तीन तीन ट्रिपल क्रोशिया और मिडिल में तीन चेन, तो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने दूसरा लाइन भी ऐसे कंप्लीट कर लिया। अब फिर तीन चेन किए हैं, फिर फर्स्ट वन में लेके हम ज्वाइंट करेंगे और फिर से फ्लैट स्टिच से हम इसके मिडिल में ऐसे आ जाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद से यहाँ पर फिर से हम बनाएंगे तीन चेन, चार चेन, डबल फंदे, फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तीन बना लेंगे फिर से, उसके बाद से हम तीन चेन कर लेंगे, फिर से हम तीन ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तीन, देखिए तीन तीन दोनों साइड, फिर तीन चेन कर लिए। अब यहाँ पर फिर हम यहाँ पर दो बनाए, यहाँ पर चार बनाए, अब यहाँ पर हम एक दो तीन चार पाँच छः सिक्स चेन कर लेंगे, डबल फंदे, सेम चीज़ें फिर इधर बनाएंगे हम। एक दो तीन फिर बना लेंगे, तीन चेन, फिर से तीन बनाएंगे, देखिए। और फिर एक से दूसरे जाने में हमें एक दो तीन चार पाँच छः सिक्स चेन करना है, डबल फंदे लेंगे, फिर बनाएंगे सेम चीज़ें। तो ये तीनों लाइन में हमें सेम बनाना है ये चीज़ें, तीन तीन दोनों साइड, बीच में तीन तीन चेन। और यहाँ पे दो बनाए, यहाँ पर चार बनाए, यहाँ पर छः, यानी पहले लाइन में दो चेन, दूसरे लाइन में तीन फोर चेन, चार चेन, और तीसरे लाइन में सिक्स यानी छः चेन। तो ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने ऐसे राउंड कंप्लीट करके फर्स्ट वन में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए हम तीन तीन दोनों साइड बनाए हैं, तीन तीन चेन किए हैं, यहाँ पर दो चेन, चार चेन, छः चेन किए हैं। आप लोग कम लगे तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं चेन। अब यहाँ से हम एक दो तीन चार डबल फंदे और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे, तो एक एक दो तीन और एक बना लेंगे यहाँ पर चार, हम यहाँ पर चार ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक दो तीन, तीन ही चेन करेंगे यहाँ पर भी, डबल फंदे, फिर से हम चार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन और एक बनाएंगे चार, चार यहाँ पर फिर से बना लेंगे। अब उसके बाद से हम यहाँ पर चेन करेंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छः एक सात, हम सेवन चेन कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर सिक्स किए, यहाँ पर सेवन चेन कर रहे हैं। आप लोगों को कम लगे तो एट कर सकते हैं या तो और भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेवन चेन करके फंदे लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फोर फोर दोनों साइड बनाए हैं, तो एक एक ऐसे बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पर दो चेन एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, हम एक चेन ही एक्स्ट्रा करके इसमें बना रहे हैं। देखिए फिर यहाँ पर भी हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पर फिर से हम फोर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, चार फोर हुआ। उसके बाद फिर से तीन चेन कर लेंगे, एक दो तीन, फिर से फोर ट्रिपल क्रोशिया, फिर फोर फोर दोनों साइड के लिए तीन चेन ही मिडिल में किए हैं। उसके बाद फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, सेवन चेन, डबल फंदे, फिर
फिर सेम चीज़ें। तो ऐसे बनाते हुए कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो देखिए हमने 4 फुट ट्रिपल क्रोशिया और बीच में 3 चेन करके और ये एक से दूसरे जाने में हम 7 चेन किए हैं, ऐसे कंप्लीट कर लिए हैं। और फिर पहले वाले में लेके जॉइंट करके और इसमें हम 4 चेन कर लिए हैं, डबल फंदे लेंगे और फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चेन और एक ये दो हुआ, 3, 4 और एक बना लेंगे 5। यहाँ पर हम 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम 1, 2, 3 तीन चेन ही करेंगे, पूरे में हम 3 चेन ही किए हैं मिडिल में, डबल फंदे, फिर से हम 5 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 फिर 5 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। देखिए दोनों साइड 5 5 ट्रिपल क्रोशिया, मिडिल में 3 चेन। अब उसके बाद यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 8 हम यहाँ पर 8 ट्रिपल क्रोशिया कर रहे हैं, यहाँ पर 7 यहाँ पर 8 कर रहे हैं, आप लोग कम लगे तो 9 भी कर सकते हैं। डबल फंदे, फिर सेम चीज़ें इसमें बनाएंगे हम, पहले 5 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद फिर 3 चेन करेंगे, फिर 8 चेन करेंगे, ऐसे एक से दूसरे जाने में 8 चेन करना है, मिडिल में 3 ही चेन करना है, कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये 5 5 दोनों सेट बना के बीच में 3 3 चेन करके और ये 8 8 चेन करके 8 8 चेन करके कंप्लीट कर लिया। और फर्स्ट वन में लेके हम जॉइंट करके कट कर लिए हैं। अब इसमें हम आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ये मिडिल में हमारा 3 3 चेन ही है पूरा, यहाँ तक पूरा हम इसमें 1 2 3 4 5 लाइन बनाए हैं, पांचों लाइन में 3 3 चेन ही मिडिल में है। और देखिए ये पहला लाइन में 3 इधर ट्रिपल क्रोशिया, 3 इधर पहला, दूसरा और तीसरा, दोनों साइड 3 3 ट्रिपल क्रोशिया, मिडिल में 3 चेन किए हैं। अब ये लाइन है, यहाँ पहले लाइन में 2 चेन किए हैं, उसके बाद यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 चेन किए हैं। आप लोग को अगर कम लगता है तो एक्स्ट्रा चेन भी आप लोग कर सकते हैं इसमें। तो हमने ऐसे बनाया है। अब इसके बाद से हम यहाँ लास्ट करेंगे इसका। लास्ट बनाने के लिए जो मिडिल में कलर है वही ले रहे हैं यहाँ पर, यहाँ फर्स्ट में लेके ऐसे जॉइंट करेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 4 चेन, डबल फंदे, फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे। देखिए यहाँ पर बनाए, इसके नेक्स्ट में फिर बनाए, फिर डबल फंदे, फिर इसके नेक्स्ट में ऐसे बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल फंदे, फिर इसके नेक्स्ट में बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशिया। देखिए पूरा हम 5 जगह यहाँ बनाए तो यहाँ 4 जगह हमारा ट्रिपल क्रोशिया बना है। और उसके बाद से आप डबल फंदे लेंगे, ये चेन है इसे हमें बनाना है, इसमें पूरा हम इसे पूरा फुल करेंगे जब तक ये भर न जाए। तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए हमने मिडिल में 10 बना लिया ट्रिपल क्रोशिया और 4 इधर बनाए हैं, वैसे ही सेम इधर भी हमें बनाना है। यहाँ पर भी एक ऐसे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक और फिर यहाँ पर एक, तो 4 जगह फिर से इधर भी बना लिए हम। यानी पूरा देखिए 4 इधर 4 इधर और 10 इधर, यानी 18 पूरा बना है, 18 पूरा हमारा ट्रिपल क्रोशिया इसके ऊपर बना है। अब इसके बाद यहाँ पर 1
तो दो चेन करेंगे और ये पूरा चेन बनाया है जो इसके मिडिल में हमें ऐसे जॉइंट कर लेना है। फिर दो चेन करना है डबल फंदे, फिर सेम चीज़ें यहाँ बनाएंगे। तो पहले हम लाइन से हर एक जगह पे एक एक त्रिबुल क्रोशिया बना लेंगे, हर एक के बीच में यहाँ पर हमें बनाना है एक एक त्रिबुल क्रोशिया ऐसे। देखिए उसके बाद से हम यहाँ पर लाइन से पहले 10 त्रिबुल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम इसमें 10 बना लिए, यानी 10 त्रिबुल क्रोशिया फिर बना लिए। फिर फंदे लेंगे, फिर इसमें हम चार जगह फिर बना लेंगे, एक दो तीन चार। देखिए फिर बना लिए सेम ऐसा। अब फिर यहाँ पर हम दो चेन करेंगे और फिर इसके मिडिल में हम जॉइंट करेंगे, फिर दो चेन करेंगे डबल फंदे, फिर सेम चीज़ें हम बनाएंगे। तो ऐसे बनेगा फोर इधर फोर इधर, बीच में 10 चेन, 10 त्रिबुल क्रोशिया, और ऐसे बनाते हुए और एक से दूसरे जाने में यहाँ पर दो चेन करके जॉइंट करेंगे, फिर दो चेन करके बनाएंगे ऐसे। तो बना के पूरा कंप्लीट करते हैं। तो हमने ऐसे चारों तरफ से बना लिया। अब यहाँ पर हम एक दो चेन करके और इसके मिडिल में हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे और फिर दो चेन करके और जो पहला बनाया है इसमें लेके ऐसे जॉइंट करेंगे और ये बांध के हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये चारों तरफ से बना के तैयार कर लिया। डिजाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। इसे बनाने में हमारा 55 ग्राम उलन लगा है, यानी 55 ग्राम उलन लगा है। तो डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।